आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, पितरों की सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आज की वीडियो का टॉपिक है कि पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध कैसे निकालें, पितरों के नाम का भोजन कैसे निकालें। संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा। हम कोई अलग विशेष से नहीं आए हैं, हम भी आपकी तरह एक गृहस्थ परिवार से हैं, जाट जमींदार परिवार से हैं। हमें पता है, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमें पता है कि हमारे घरों में क्या होता है, वैसा ही आपके घरों में होता है। आप कहीं अलग से नहीं हैं, हम कहीं अलग से नहीं हैं। तो एक एक बात को अब बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। जरूरत है तो इस वीडियो को पूरा देखने की। तो अब जिन घरों में पितरों की पूजा नहीं होती तो भी इस वीडियो को देखना, होती है तो भी इस वीडियो को देखना। जो 16 दिन होते हैं पितृपक्ष के, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, इनके बीच में जिस दिन भी आपके किसी पूर्वज की तिथि आती है तो आप उसको श्राद्ध निकाल सकते हो। अगर आपको आपके पूर्वजों की तिथि नहीं पता तो जो आखिरी दिन होता है 16वां दिन अमावस्या, उसको सर्वपित्री अमावस्या बोला जाता है, उस दिन आप अपने पितरों का भोजन निकाल सकते हो। दोनों ही चीज एक ही स्थान पर कारागर साबित होंगी। ऐसे में आपको करना क्या है, सबसे पहले घर की जो महिलाएं हैं वो सुबह सूर्योदय से पहले उठेंगी, स्नान आदि से निवृत्त होकर घर की दहलीज को पहले बुहारी से साफ करेंगी, फिर उसके ऊपर जल का छिड़काव करेंगी और मन ही मन पितरों से प्रार्थना करेंगी कि हे मेरे, मेरे शब्द जरूर यूज करना है आपको, कि हे मेरे घर के पितरों आओ, और अगर उनका नाम याद है तो उनका नाम लीजिए कि आज मेरे उस पितर की का श्राद्ध है, तिथि है, तो आप आइए और भोजन ग्रहण करिए। उसके बाद आपको अपने घर की रसोई की शुद्धता का ध्यान रखना है। याद रहे पितृपक्ष के 16 दिनों में आपके घर में गलती से भी प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना होगा। इस दौरान इन 16 दिनों में जितना हो सके पितरों के निमित्त स्नान, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि दान दक्षिणा, अन्न का दान करते रहोगे तो आपकी कुंडली का भी, आपके घर का भी और आपके जीवन का भी पितृदोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल देना है और प्रार्थना करनी है। लोटे में 2 लौंग डालकर जल देना है, प्रार्थना करनी है कि हे श्री सूर्य नारायण भगवान, यह जल मेरे पितरों तक पहुंचाइए। आप तुलसी में भी जल दे सकते हो अपने पितरों का नाम लेके, लेकिन याद रहे रविवार है या एकादशी है तो तुलसी में जल नहीं दिया जाएगा। उसके साथ जिनके पूर्वजों की तिथि या तो एकादशी को आती है या चतुर्दशी, यानी जिसको हम 14 भी बोलते हैं, इन 2 दिनों में किसी की तिथि है तो श्राद्ध नहीं निकाला जाएगा। एकादशी को जिनकी तिथि है वो द्वादशी को श्राद्ध निकालेंगे और 14 को जिनकी तिथि है वो अमावस्या को श्राद्ध निकालेंगे। एकादशी और 14 को श्राद्ध नहीं निकाला जाता। तो ऐसे में आप सभी जो घर की महिलाएं हैं वो अच्छे व सच्चे मन से, ये नहीं मन मार के करना पड़ेगा आज तो ये है वो नहीं, अगर आपके मन में ये बात आई तो कहीं ना कहीं आप नुकसान के भागीदार हो, कहीं ना कहीं आपके घर में पितृदोष नहीं, आपके घर में प्रेत दोष लगा हुआ है। जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, आप अपने आप से सवाल पूछिए, हमें मत बताइए, किसी और को मत बताइए। अगर आपका मन इस वीडियो को देखकर खुश हुआ है तो समझ जाना आप पर पितरों की कृपा है, और अगर मन खुश नहीं हुआ है या वीडियो छोड़कर जाने का मन है, समझ जाइए आपके घर में पितर दोष नहीं, आपके घर में प्रेत दोष लगा हुआ है। तो ऐसे में घर की महिलाएं भोजन बनाएंगी। आप अपने घर पर कुछ भी भोजन बना सकते हो, हलवा, खीर, पूरी, जो भी सब्जी रोटी हो सकती है। याद रहे खीर केवल और केवल गाय के दूध की बनाई जाएगी, भैंस का दूध प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर जिन्हें गाय का दूध नहीं मिलता तो आप सफ़ेद चावल बना सकते हो, क्योंकि पितरों के लिए सफ़ेद चीज़ें होती हैं। इस दौरान घर के जो पुरुष हैं वो सफ़ेद वस्त्र धारण करें, सफ़ेद पुष्प लेकर आए, सफ़ेद मिठाई लेकर आए, और कुछ नहीं हो सकता तो 5 रुपए के बताशे जरूर ले आए। घर में कोशिश यही करिए कि सफ़ेद चावल या गाय के दूध की खीर बनाई जा सके। अब अगर आपने पूरी बनाई है तो आप 4 पूरी निकालनी होंगी। रोटी बनाई है तो एक ही रोटी के 4 हिस्से कर लीजिए। पहला हिस्सा गौ माता के नाम, दूसरा कुत्ते का, तीसरा कौवे का, चौथा चींटियों का, 4 हिस्से कर लीजिए। उसके अलावा आपने खीर बनाई है, चावल बनाए हैं, पूरी बनाई है, उनका 4ों का हिस्सा आपको उनके ऊपर निकालना होगा, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। अलग से एक थाली और सजानी होगी आपको। उस थाली में आपने जो भी भोजन बनाया है वो सारा रखना है। उस थाली का प्रयोग ब्राह्मणों के लिए होगा। अगर आपको आपके आसपास ब्राह्मण देवता मिल जाते हैं और ब्राह्मण और ब्राह्मणी यानी ब्राह्मण दंपति मिल जाते हैं तो ये मान लीजिए लोगों के, तो बोलते हैं ना हम सोने का सुहागा, तो बड़ी अच्छी बात है ये, सोने पर सुहागा। ये जो चीजें है ना, ये मत सोच लेना कि ऐसे ही किसी ने बोल दी है, ऐसे ही कुछ हो जाता, नहीं, हर एक चीज होती है।
उसको भोजन करवाने के लिए ब्राह्मण दंपति को या ब्राह्मण को किसी गरीब को, अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलते, आपके आसपास नहीं है या आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाना चाहते, तो अपने घर के बुजुर्गों को भोजन करवाइए। आप कहीं किराए पर रहते हो, बाहर रहते हो, बुजुर्ग आपके साथ नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप खुद भी उस भोजन को कर सकते हैं। याद रहे, किसी को भोजन करवाओ या खुद भोजन करो, नीचे जमीन पर बैठकर आपको भोजन करना है, करवाना है। उसके साथ कोशिश करिए अगर पत्तल में भोजन जिमाया जाए तो इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे पहला हिस्सा जो गौ माता का निकालना है तो सबसे पहले गौ माता को ही दिया जाएगा, और ये काम घर के लड़के, घर के पुरुष करेंगे, लड़कियां व महिलाएं नहीं करेंगी। महिलाएं सिर्फ खाना बनाएंगी, वो भी प्रसन्नता से, और सिर्फ जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, पितर हैं, वो भोग लगाएंगे। क्यों? महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, तो हमेशा घर की लक्ष्मी में बरकत होती है उनके हाथ में, इसलिए महिलाओं के हाथ से खाना बनवाया जाता है और पुरुष उसका वितरण करते हैं, क्योंकि पितरों के निमित्त लगभग सभी कार्य पुरुष ही करते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला जो भोग होगा वो गौ माता को खिलाना है। खिलाते समय प्रार्थना करनी है कि हे मेरे पितर देवता, गौ माता के माध्यम से भोजन स्वीकार करिए। दूसरा कुत्ते को, तीसरा कौवे के लिए छत पर रख दीजिए, चौथा जहां आसपास आपको चींटियों का कोई जगह दिखाई दे, कोई चींटी नगर दिखाई दे, वहां आप रख सकते हो। पहले ये चार हिस्से आपको निकालने होंगे, उसके बाद जो अलग से थाली लगाई थी उस थाली में हाथ में थोड़ा सा जल लेके तीन बार उसकी फेरी लगाइए, ताकि जल भी उस भोजन के साथ सम्मिलित हो सके, और वो फिर आप किसी ब्राह्मण को अपने ही घर बैठा कर, ये नहीं कि किसी के घर पे के आना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बंद करो इस सिस्टम को। अगला खाएगा ना खाएगा, पता नहीं क्या सोचेगा ना सोचेगा, बंद करो इस सिस्टम को। अपने ही घर पर किसी ब्राह्मण को बुलाकर, किसी गरीब को, किसी अन्य भिखारी को, कोई मांगने वाला आ जाता है उसको, कोई घर का बुजुर्ग है उसको, या इनमें से कोई भी नहीं है तो आप खुद भोजन ग्रहण कर सकते हो। लेकिन जिन घरों में पितरों की पूजा होती है, चाहे आपने पितरों का स्थान अपने घर पर दे रखा है या अपने खेत में दे रखा है, पहले वो चार हिस्से निकालने के बाद आप अपने पितरों को भोग लगाओगे अग्यारी पर, जिसको बोलते हैं अमावस्या निकालना। ठीक है ना, अमावस्या, यह काम सिर्फ अमावस्या को होगा। अगर अन्य किसी तिथि को आप कर रहे हो तो बस इतना ही काम करना है, फिर आपको पितरों को भोग नहीं देना है, फिर इतने ही काम में आपका काम चल जाएगा, वो श्राद्ध निकल जाएगा। और अग्यारी का यह काम जो आपको अपने पितृ स्थान पर बैठकर करना है, वो सिर्फ अमावस्या के दिन होगा, क्योंकि दोनों चीजें यहाँ साथ में चल रही है ना, 16 दिनों की भी बताई जा रही है और सर्वपित्री अमावस्या यानी जिनको तिथि याद नहीं है उनकी भी बताई जा रही है। तो जिनको तिथि याद नहीं है, जो अमावस्या के दिन करेंगे, पहले तो चारों हिस्से निकालेंगे, उसके बाद पितृस्थान पर बैठकर पितरों का भोजन निकालेंगे, उसके बाद या तो ब्राह्मण को, किसी गरीब को या बुजुर्गों को, या खुद भोजन ग्रहण करेंगे। उसके बाद जो भी मेहमान आपके यहाँ भोजन करने के लिए आए हैं, उनको आप दक्षिणा जरूर दोगे अपने पितरों के नाम से, वह आपकी श्रद्धा अनुसार होगा, 11 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जितना भी आप दोगे, खुश और प्रसन्न मन से देना। याद रखना, खुद का वास्तविक अनुभव बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप 100 रुपये पितरों के नाम से उनको दक्षिणा दोगे, 24 घंटे से पहले 1000 रुपये कहीं से भी आएंगे, हमारे आते हैं भाई, हमारे आए हैं, आते हैं और ऐसे ही आते ही रहेंगे, ये हमारे पितरों का वचन है, वरदान है। तो उस मामले में संकोच मत करना, क्योंकि हमारे पितरों ने ही हमें सब कुछ दिया है, नाम भी उन्हीं का है, खून भी उन्हीं का है, जमीन भी उन्हीं की है, हमारी पहचान भी उन्हीं से है, सब कुछ उन्हीं से है, तो वो हमारा कुछ कैसे रख सकते हैं। जिन लोगों को पितरों के बारे में कुछ भी नहीं पता, पूरी प्लेलिस्ट डाल दी गई है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हो, यूट्यूब पर जाइए, MB रिकॉर्ड भक्ति सर्च करिए और पितरों की पूरी प्लेलिस्ट में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य करिए। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको समझ और पसंद आई होगी। अन्य वीडियो भी आगे से आगे आती रहेंगी। इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रखना। जय श्री श्याम।